आज मैं आपको डोजी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आपके दिमाग में पहला सवाल यह होगा कि डोजी क्या है। डोजी कैंडल स्टिक का एक रूप है। कैंडल स्टिक की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आप वहां जाकर कैंडल स्टिक के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। आपका दूसरा सवाल यह होगा कि डोजी कैसे बनता है और यह कैसा दिखता है। दोस्तों, डोजी जब बनता है तो उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोजी चार प्रकार के होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और फोर प्राइस डोजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डोजी का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। यह चारों बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। आपको इनके नाम कुछ अजीब लग रहे होंगे, शायद आप इनके नाम याद न रख पाए, पर आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों, आपने डोजी के विषय में सीखा, अब मैं आपको बताता हूँ कि डोजी कैसे काम करता है। डोजी को अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखते हैं तो एक बात याद रखिए कि वह हाई बनाए या फिर लो बनाए, तभी वह काम करेगा। यदि डोजी को आप हिस्टोरिकल चार्ट में देख रहे हैं तो वह 25 दिन का हाई बनाए या फिर 25 दिन का लो बनाए, तभी वह काम करेगा। डोजी अगर चार्ट के बीच में बनता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब बात करते हैं हम पहले डोजी ग्रेवस्टोन डोजी की। यह डोजी मंदिर को दर्शाने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और मंदी शुरू होने वाली है। आइए अब इसे चार्ट में देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, डोजी चार्ट में हाई बना रहा है और उसके बाद अगली कैंडल में वह नीचे आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें पोजीशन कैसे बनाएं या कहें कि ट्रेड किस समय करें। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि डोजी से पहले की जो कैंडल है, प्राइस जब तक उसके लो के नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। प्राइस जब लो के नीचे आ जाए तो उसके बाद आप ट्रेड कीजिए और डोजी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अब अगली बात कि प्रॉफिट कहां पर बुक करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बनता तब तक आपको इंतजार करना चाहिए और अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखना चाहिए। अब दूसरा डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यह डोजी तेजी को दर्शाने वाला कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी समाप्त हो गई है और तेजी शुरू होने वाली है। आइए अब इसको चार्ट में देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, डोजी चार्ट में लो बना रहा है और उसके बाद अगली कैंडल में वह तेज होना शुरू हो गया है। अब इसमें आपको करना ये है कि डोजी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और डोजी से जो पिछली कैंडल है उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। और इसमें भी सेम चीज करनी है आपको, जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक आपको इंतजार करना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब तीसरा कैंडल है लॉन्ग लेग डोजी। इस डोजी में ऊपर और नीचे की जो शेडो होती है वो एक समान होती है। यह कैंडल बाजार में अनिश्चितता को दर्शाता है। आइए अब इसे चार्ट से समझते हैं। यह कैंडल जब भी बनता है तब बाजार
कुछ समय या कुछ दिन तक सीमित रेंज में चलता है, इसलिए जब तक ट्रेंड स्पष्ट न हो जाए तब तक ट्रेड मत कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब यह कैंडल बनता है तो कोई भी ट्रेंड नहीं दर्शाता है, मतलब कि एक सीधी लाइन के अंदर यह चलता रहता है। अब चौथी और आखिरी जो डोजी है वो है फोर प्राइस डोजी। यह डोजी माइनस या घटाव के चिन्ह की जैसे दिखती है। चार्ट में इसका कोई महत्व नहीं होता है, कहे तो यह अर्थहीन होती है। इसके बनने से ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह चार्ट में बहुत कम बनती है। तो दोस्तों, आज आपने डोजी के विषय में सीखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं।